हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मेडिकल माई लाइफ सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दैट इज़ ईडीडी इन प्रेगनेंसी ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पता होनी चाहिए विच इज़ इक्वल्स टू नाइन मंथ एंड सेवन डेज अगर हम इसको वीक्स में देखेंगे इट इज़ इक्वल्स टू फोर्टी वीक्स पर ये जो नाइन मंथ एंड सेवन डेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखनी है डेज़ में तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे सेवन से मल्टीप्लाई करके अब ई कैलकुलेट करने के लिए आपको फीमेल से दो चीज़ें पूछनी है एक तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब उनको जो लास्ट मैंसस आए थे उसका फर्स्ट डे क्या था और उनसे पूछना है उनकी साइकिल लेंथ तो उनकी मैंस्ट्रल साइकिल की लेंथ कितनी है अगर उनकी मैंस्टुरल साइकिल की लेंथ 28 डेज की है तो आपको ई डी कैसे कैलकुलेट करनी है नेगलिस फार्मूला लगा के आपको सिंपली क्या करना है जो उनका फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मैंस्टुरल पीरियड है उसमें आपको नाइन मंथ और सेवन डेज ऐड करने हैं ठीक है, है? एग्जाम्पल लेते हैं आपने फीमेल से पूछा है उनकी फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मैंस्टुरल पीरियड क्या है और आपने पूछा है साइकिल लेंथ उन्होंने फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मैंस्टुरल पीरियड बताया थर्ड ऑफ मार्च 2022 और उन्होंने साइकिल लेंथ कितनी बताई है 28 डेज़ की तो आप क्या लगाओगे नेगलीज फार्मूला नेगलीज फार्मूला क्या बोलता है आपको एल में सेवन डेज और नाइन मंथ ऐड करना है तो यहाँ पे हमने डेज में ऐड कर दिए हैं सेवन डेज तो यहाँ पर आ गया हमारा टेंथ और मार्च से नाइन मंथ आगे ले जाएंगे तो दिसंबर टेंथ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो यहाँ पर हमारी ई डी डी कैलकुलेट हो गई है नेक्स्ट इज अगर फीमेल बताती है उनकी साइकिल लेंथ ट्वेंटी एट डेज से ज़्यादा है या फिर ट्वेंटी एट डेज से कम है तो आपको क्या यूज़ करना है मॉडिफाइड नेगलीज फार्मूला बहुत ईजी है ये कुछ नहीं है सबसे पहले आपको अप्रॉक्सीमेट ई डी डी निकालनी है यूजिंग नेगलीज फार्मूला तो आपने जो ये वाला हमारा जो ए वाला पॉइंट था इसको किया है आपको यही करना है उसके बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट एडीडी कैलकुलेट हो गई है अब आपको देखना है उनकी साइकिल लेंथ अगर 28 डेज से छोटी है तो कितनी छोटी है फॉर एग्जाम्पल फीमेल ने बताया उनकी साइकिल लेंथ 24 डेज की है तो कितने दिन छोटी है चार दिन छोटी है तो आपने जो अप्रोक्सीमेट ई कैलकुलेट की है उसमें से आपको फोर डेज माइनस करना है बहुत इजी है जैसे हमने ऊपर निकाली थी हमने ऊपर टेंथ ऑफ दिसंबर 2022 निकाली थी अगर फीमेल की क्या थी 28 डेज़ की साइकिल थी अगर सेम फीमेल बोलती है कि मेरी जो साइकिल है वो 24 डेज़ की है तो आप क्या करोगे आपने ई अप्रोक्सीमेट ई कैलकुलेट कर ली थी ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी एट डेज साइकिल लेंथ उसमें से आप फोर डेज़ माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा सिक्स ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अब अगर साइकिल लेंथ 28 डेज से बड़ी है तो आपको देखना है कितनी बड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल थर्टी डेज की है तो तीन दिन बड़ी है ठीक है इतना मैथ्स तो आप लगा सकते हैं तीन दिन बड़ी है तो आपने जो अप्रोक्सीमेट ई कैलकुलेट की है उसमें आपको थ्री डेज ऐड करना है दैट्स ऑल तो हमने अप्रोक्सीमेट ई कितनी कैलकुलेट की थी टेंथ ऑफ दिसंबर 2022 उसमें आप थ्री डेज ऐड करेंगे तो हमारी हो जाएगी थर्टीनथ ऑफ दिसम्बर 2022 अब एक आता है अगर साइकिल लेंथ वेरिएबल है आपने फीमेल से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी साइकिल लेंथ कांस्टेंट नहीं रहती कभी 28 दिनों की होती है कभी 26 दिनों की होती है तो आप क्या पूछोगे आपको कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेट या फिर एवरेज साइकिल लेंथ और एवरेज साइकिल लेंथ कैसे निकल के आएगी आप उनसे पूछोगे आपकी जो पिछली तीन मैंट्रोअल साइकिल है वो कितने कितने लेंथ की थी आप उनका मीन निकालोगे तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री बाय थ्री करके आपके पास आ जाएगी एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल अब एवरेज लेंथ ऑफ साइकिल आ गया मतलब आपके पास साइकिल लेंथ आ गई है आप साइकिल लेंथ आ चुकी है उसके बाद आपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे भी आप पूछ चुके हैं तो अगर उनकी साइकिल लेंथ एवरेज ट्वेंटी एट डेज की आई है तो आप नेगलीस फॉर्मूला लगा दीजिए और अगर साइकिल लेंथ ट्वेंटी एट डेज से कम या ज्यादा आई है तो आप मॉडिफाइड नेगलिस फार्मूला लगा दीजिए सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इन प्रेगनेंसी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में थैंक यू सो मच